आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हेयर कटिंग कैसे करनी है और अगर आपको बाउंस हैवी चाहिए तो वो बाउंस कैसे दिए जाते हैं। उससे पहले स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पाल ऑफ द वर्ल्ड में। सबसे पहले आपको अपने हेयर को अच्छे से वेट कर लेना है, भिगो लेना है अच्छे से और ध्यान रखना है कहीं से भी ड्राई नहीं होने चाहिए। इनके हेयर ऐसे थे कि यार दो दो मिनट में बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे थे, इसलिए बहुत परेशानी होती थी, बार बार स्प्रे करना पड़ रहा था। जब भी आप कटिंग करते हो तो आपको इतना ध्यान रखना है कि हेयर को अच्छे से वेट करना है, सुलझा लेना है, अच्छे से कॉम करना है। इसका बेनिफिट ये रहेगा कि जब आप कटिंग करोगे तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। और किसी किसी के हेयर ऐसे होते हैं कि उनके हेयर सुलझाने के बाद दो मिनट में उलझ जाते हैं, तो ये क्लाइंट भी हमारे पास कुछ इस टाइप की थी कि इनके जैसे हम हेयर सुलझ जाते थे वैसे ही उलझ जाते थे। तो बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ और बहुत ज्यादा टाइम लगा इनके हेयर कटिंग में। देखो गाइस, जब आप सेक्शन डिवाइड करते हो तो आपको सिंपल सा ध्यान रखना है कि कहीं भी जिगजैग नहीं बनना चाहिए, इसीलिए कॉम टेल कॉम ले लीजिए जिससे कि आपकी सेंटर की मांग अच्छे से निकल पाए। और इस कटिंग को करना बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत ईजी होता है। ये कटिंग मैंने अदर वीडियो में भी दिखा रखी है, अगर आपने नहीं देखी तो ये वीडियो अच्छे से देख लीजिए। और यहाँ पे बहुत ज्यादा हमने स्प्रे का यूज़ किया, यानी कि प्लेन वाटर का। सबसे पहले आपको मैं साइड से दिखाती हूँ ताकि आपको ढंग से समझ आए। ईयर के पास से आपको सेक्शन डिवाइड करना है इस तरह से, और ध्यान रखना है कि जितने शॉर्ट ईयर चाहिए, यानी कि किसी किसी को बहुत ज़्यादा शॉर्ट ईयर पसंद होते हैं आगे की साइड से, फ्रंट जिसे लेयर हम कहते हैं, तो वो हमें यहाँ पे शोल्डर की साइड हमें कैंची को कंटिन्यू रखना है, यानी कि हेयर को कट करते हुए लाना है। और जो आपने सबसे पहले लेयर को कट किया है उसे गाइडलाइन समझते हुए आपको इस कटिंग को आगे बढ़ाना है। देखो मैं किस तरह से कर रही हूँ, इसी तरह से आपको भी करना है। और ये कटिंग होने के बाद बहुत अच्छा लुक आता है, अगर आपके हेयर स्ट्रेट है तो अच्छी बात है, उसमें प्रॉपर लेजर नज़र आता है। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं बोलूँगी कि अगर आपके हेयर बहुत ज़्यादा कर्ली हैं तो प्लीज़ ये कटिंग आपके लिए नहीं है, इस कटिंग को अवॉइड कीजिए। देखो ये कटिंग और भी ज़्यादा सिंपल होती जा रही है, आपने लेयर कट की, उसको गाइडलाइन समझा और सेक्शन डिवाइड किए, देन कट किया, तो इस तरह से ही आपको कट करते हुए चलना है। बहुत ईजी है, अगर आप फ्रेशर हो तो पेपर पे, न्यूज़पेपर पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बाकी मुझे नहीं लगता। बस आपको ध्यान रखना है कि आप जब अपने हाथों की डायरेक्शन रखते हो वो अच्छी होनी चाहिए, यानी कि शोल्डर की साइड ही आपको वी शेप बनना चाहिए, क्योंकि जब ये पूरी कटिंग हो जाती है तो आप देखोगे कि इसमें वी शेप बन के आता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रेटी लगता है। और अगर आपके हेयर जो है वो स्ट्रेट है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक आने वाला है आपकी हेयर कटिंग पे। अगर आप कटिंग कराते रहते हो तो आपको पता होगा कि जब भी आप कटिंग कराते हो तो यार एकदम फेस लुक चेंज हो जाता है। तो कटिंग कराना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि अगर आप अपने आप को देखते हुए बोर हो गए हो ना, या कुछ नया कर लेते हैं, कुछ चेंज कर लेते हैं, तो आप हेयर कट कर लो, आप ऑटोमेटिकली ऐसे लगोगे बिल्कुल चेंज चेंज से। जैसे आप थ्रेडिंग करवा लेते हो ना, थ्रेडिंग कराने के बाद ऐसा लगता है जैसे हमने फेशियल करा लिया, तो इसी तरह से हमें यहाँ पे क्या करना होता है, बस आप कटिंग करा लो, कटिंग के बाद आपकी पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे देखो हमने गाइडलाइन समझते हो क्या, और पूरे लेयर को इसी तरह से करना है जैसे कि अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं। और आपको जो सिंपल ध्यान रखना है कि पूरे लेयर जितने भी पैक वाले हेयर है ना, उनको फ्रंट की साइड लेके आना और उसको शोल्डर की साइड इस तरह से कट करते हुए चलना है। बहुत ज़्यादा डिप कट नहीं करना है आपको, वरना आपके हेयर बहुत ज़्यादा छोटे हो जाएंगे, फिर आप बाद में बहुत परेशानी उठाओगे, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जिस तरह से मैं कर रही हूँ उसी तरह से। और अगर आपको लगता है कि इसमें बाउंस अच्छे देने हैं तो आप इस तरह से सीजर का यूज़ कर सकते हो, इस तरह से कट लगा सकते हो लास्ट वाले लेयर पे। इससे क्या होता है, इससे आपके बाउंस काफ़ी अच्छे आते हैं। और ये कटिंग में सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आप कोई भी हेयर स्टाइल कर लो, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लुक आता है। अब देखिए, मैंने आपको जैसा कि बोला था कि इनके हेयर बहुत जल्दी ड्राई हो रहे थे, तो जो हमने सेकेंड पार्ट सेक्शन डिवाइड किया था वो अब ड्राई हो चुका है, उसको हम वेट कर रहे हैं। और यहाँ पर अब हम अच्छे से कॉम करने के बाद वैसे ही लेयर निकालेंगे, ईयर के पास से हम लेयर निकालेंगे। और जब लेयर डिवाइड करेंगे तो आपको देखना है कि शॉर्ट हेयर कितने रखने हैं, वो चीज़ें आप देख लो। मैंने जैसा कि आपको अभी बताया था कि किसी किसी को बहुत छोटे हेयर पसंद होते हैं, लाइक तो आईब्रो के पास से भी काफ़ी लोग कराते हैं, तो अगर आपको नॉर्मल रखना है तो ईयर के पास से कट
कर सकते हो, ईयर को गाइडलाइन बना लीजिए। जैसा कि अभी आपने देखा ना, हम कैसे कैसे करके लेयर डिवाइड कर रहे थे, एक सेक्शन निकाल रहे थे और अपने टेल कॉम की मदद से ये लेयर निकाल रहे थे। इस कटिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपके जितने भी हेयर डैमेज हो चुके हैं नीचे की साइड से, वो सारे रिमूव हो जाते हैं और वी शेप आ जाती है। इसमें कई टाइप की कटिंग देखने को मिलती है और जब आप इसमें पोनी वगैरह कर दो तो ऐसा लुक आता है जैसे कि स्टेप कटिंग करा रखी हो। गाइस, ये हेयर कट बहुत ही ज़्यादा ईजी है, मैं आपको बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप कोई भी कर सकते हो। आपको सिर्फ ज़रूरत है तो वीडियो ढंग से देखने की, क्योंकि आप जब वीडियो ढंग से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ किस तरह से हेयर कटिंग होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने हेयर कट किया है और आपके डैमेज हेयर को भी रिमूव कर देंगे। देखो, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे अपने कटिंग में बैक साइड से वो पूंछ जैसा, लाइक टेल जैसा नहीं चाहिए, जैसे कि वी शेप में आता ही है, और जब हम लेज़र कट करते हैं तो इसमें होता ही यही है, डिप वी वाला लुक आता है इसके अंदर, तो इसीलिए अगर आपको नहीं पसंद वी कटिंग तो लेज़र कट को अवॉइड कीजिएगा, ये आपके लिए नहीं है फिर। ठीक है, ये उन लोगों के लिए जिनको वी शेप अच्छी लगती है, ज़्यादातर हेयर को ओपन करके रखते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि काफ़ी लोग ओपन करके रखते हैं, ऑफिशियल हैं तो उन पर ये हेयर स्टाइल बहुत ही ज़्यादा बिंदास लगने वाला है। देखो, मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, बहुत अच्छी है। जब भी आप हेयर कट कराओ ना, तो दो दिन तक आप अपने बालों को ऐसे फोल्ड कर लो, लाइक जैसे हम जूड़ा बनाते हैं ना इस टाइप से। इसका बेनिफिट ये होगा कि आपकी लेयर में बाउंस आ जाएगा, कर्ली वाले बाउंस आ जाएंगे जो कि आपकी कटिंग को लुक देंगे, और विदाउट हेयर ड्रायर के आप अच्छे से इसमें लुक पा सकते हो। बट हाँ, उससे पहले मैं यहाँ पे कटिंग का भी बता रही हूँ आपको कि अगर आपको हैवी बाउंस चाहिए होते हैं तो किस तरह से करना है। सबसे पहले हमारी कटिंग हो जाने दीजिए, तब तक आप थोड़ा सा होल्ड कीजिए। और इनके हेयर बहुत जल्दी जल्दी ड्राई हो रहे थे, अभी मैंने आपको बोला कि कितनी जल्दी जल्दी से हेयर इनके ड्राई हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है, जस्ट वेट करने हैं और अच्छे से कॉम्ब करके बालों को कट करना है। देखो, दोनों साइड से देख लेना है कि कहीं से छोटे बड़े तो नहीं हो रहे, लेंथ ऊपर नीचे तो नहीं हो रही, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है और फिर हमें इस टाइप से कट देना होता है। ये कट देने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि इसमें आपका हैवी बाउंस आ जाता है, यानी कि आपकी कटिंग नज़र आती है और काफ़ी अच्छा लुक आता है इससे। तो ये कटिंग अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप सभी लोगों को मिलती रहे। देखिए, अब मैं इसमें बाउंस दे दूंगी, यानी कि हम अपना जो रोलर वाला कॉम होता है उसको ड्राई करके अच्छे से आपको कटिंग नज़र आएगी। ये करने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही रहता है कि इससे कटिंग नज़र आती है। वैसे तो इसको वही है कि आप ड्राई कर दो, उसके बाद वॉश कर दोगे तो वैसे ही हो जाएंगे जैसे हैं हेयर, लेकिन जब आप एक काम कर रहे हो, आपकी शॉप है, आप ब्यूटिशियन हो, तो आपको पूरी तरह से सर्विस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे ड्राई करके दिखा रही हूँ और आप लोग मुझे बताइएगा कि इनका लुक कैसा आ रहा है। देखो, अब मैं देखती हूँ तो एक साइड मुझे हेयर जो है वो थोड़े से लॉन्ग लग रहे हैं, तो इसीलिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेयर को नहीं कट करना, हल्का हल्का से इसको कट करेंगे, और हल्का सा कट करने के बाद आप देखोगे कि दोनों इक्वल करना है। ठीक है, इक्वल करोगे तो ज़्यादा सही लगेगा क्योंकि फिर बाद में दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे क्या है, हल्का सा रोल कर देते हैं इसे जब आपको दिखेगा, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि इसमें थोड़े से बाउंस की कमी है, यानी कि जो हमारा ये फंकी सा लुक आता है इसकी थोड़ी सी कमी लग रही थी, यहाँ पे कट भी मुझे कम लग रहा था, इसीलिए हमने दोबारा से इसमें हल्का सा कट दिया था, जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो वीडियो को पूरा देखो यार, तभी तो मज़ा आएगा, वीडियो आधी आधी आप स्किप कर देते हो उसमें क्या ही मज़ा है। तो यहाँ पर देख लो किस तरह से ड्रायर कर रहे हैं, और मतलब कभी कभी क्लाइंट ऐसे होते हैं ना जो बहुत साइलेंट होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है, और कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब एक मिनट के लिए भी साइलेंट नहीं होते। और गाइस, यहाँ पे तो देखो मैंने दिखाई दिया कि कटिंग का लुक कैसा आया है और कैसे लग रही है, बट यहाँ से मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि इधर से थोड़े से बाउंस की और ज़रूरत है, इसीलिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा और बाउंस दिया। बाउंस देते समय हमें क्या करना है, जस्ट सिंपल सा थोड़ी सी और कटिंग कर देनी है, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो देखो, अब
हम थोड़ा सा और कटिंग कर देते हैं। इस तरह से लेयर को कट करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है कि आपके बाउंस अच्छे आ जाएंगे और हमारी जो लास्ट वाली लेयर है वो थोड़ी सी स्ट्रेट नज़र आ रही थी, तो इसीलिए उसमें हल्का सा कट देंगे। देखो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से थोड़ा सा कैमरे को ब्राइटनेस बढ़ा देती हूँ जिससे कि आपको अच्छे से नज़र आए और आपको पता चले कि लेयर को किस तरह से कट करते हैं। बट आपको ध्यान रखना है कि आगे की साइड से ही लेयर को कट करना है, ऐसा नहीं करना है कि कहीं भी कैची मार रहे हो, ऐसे करने से आपके बीच के हेयर भी जा सकते हैं तो गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखो इस तरह से करना है और मैं इस साइड भी कर देती हूँ। दोनों हेयर को इक्वल करना है, दोनों साइड से इक्वल होने चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि किसी अनप्रोफेशनल ने किया है। तो अब आप लोग देख लो, देखो इस साइड के जो हेयर है ना, ये थोड़े से मुझे लग रहे हैं कि इनमें बाउंस की कमी है, इसलिए हम थोड़े से और बाउंस डाल देते हैं। और आपका इस टाइप से कट करने पे क्या होगा, कुछ लुक चेंज हो जाता है। देखो हेयर कटिंग करने पे लुक चेंज हो जाता है, ये तो मतलब कोई इसमें तो कोई दो राय है नहीं। इसीलिए जब भी आपको लगे ना कि आप बोर हो रहे हो यार, कुछ नया हो जाए, तो आप अपनी कटिंग करा देना, ऑटोमेटिकली आप नए हो जाओगे। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपके कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो प्लीज़ कमेंट करना ताकि मैं आपके सवालों का जवाब दे सकूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, फिर मिलेंगे एक नुस्खा, तब तक बाबा जी।